स्वागत है आपका। टीम इंडिया जो है एशिया कप 2018 के फाइनल में पहुंच चुकी है और कल जो है दोस्तों सुपर फोर का आखिरी मैच टीम इंडिया को खेलना है अफगानिस्तान से। इस मैच के जो दोस्तों मायने हैं वो किसी भी टीम के लिए नहीं रहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम जो है वो बाहर हो चुकी है एशिया कप 2018 से, वहीं इंडिया जो है वो पहले ही फाइनल में जा चुकी है और ऐसे में इस मैच के मायने जो है वो खत्म हो जाते हैं। और इसलिए जो है दोस्तों इस मैच को इंडिया की टीम जो है एज अ प्रैक्टिस मैच खेलने वाली है और ऐसे में दोस्तों बहुत ही ज्यादा चेंज हमें प्लेइंग 11 में दिखाई देने वाले हैं और 5 चेंज जो है वो लगभग हमें दिखाई दे सकते हैं इस मैच में। तो टीम इंडिया बिल्कुल चेंज जो है दिखाई देने वाली है और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे टीम इंडिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, यानी उन 11 खिलाड़ियों की जो कि हमें इस मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले ओपनर्स की, तो ओपनर्स यहां पर बिल्कुल फिक्स हैं, रोहित शर्मा और शिखर धवन नंबर 1 ओपनिंग जोड़ी और इस मैच में भी दोस्तों हमें यही दोनों ओपन करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 3 पर होंगे दोस्तों रिलायबल अंबाती रायडू, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अंबाती रायडू भी दिखा रहे हैं विराट कोहली के अब्सेंस में। नंबर 4 की अगर बात करें तो यहां पर जो है चेंज होने वाला है और दिनेश कार्तिक की जगह पर हमें केएल राहुल जो है वो खेलते हुए दिखाई देंगे। केएल राहुल दोस्तों एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको मौका नहीं मिला अभी तक और इस मैच में जो है वो हमें प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देंगे। बात करें दोस्तों नंबर 5 की तो यहां पर भी चेंज होने वाला है और केदार जाधव की जगह मनीष पांडे हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों मनीष पांडे भी काफी अच्छे खिलाड़ी हैं और इन्हें भी अभी तक मौका नहीं मिला है। उनके बाद दोस्तों यहां पर विकेटकीपर बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी ही रहने वाले हैं। उनके बाद होंगे दोस्तों रविंद्र जडेजा, उनके बाद यहां पर दोस्तों भुवनेश्वर कुमार को रेस्ट देकर दीपक चहर को मौका मिल सकता है। दीपक चहर को यहां पर रिप्लेसमेंट के तौर पर लाए थे और अभी तक जो है मौका नहीं मिला है, तो इस मैच में जो है दोस्तों हमें दीपक चहर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। उनके बाद दोस्तों अगर बात करें तो कुलदीप यादव की जगह पर सिद्धार्थ कौल को मौका मिल सकता है। सिद्धार्थ कौल को भी दोस्तों एज अ रिप्लेसमेंट लाया गया था और उनको भी यहां पर जो है ट्राई किया जा सकता है। उनके बाद होंगे दोस्तों युजवेंद्र चहल और आखिरी में जसप्रीत बुमराह की जगह पर यहां पर खलील अहमद को मौका मिल सकता है। खलील अहमद को दोस्तों एक मैच में मौका मिला था और काफी अच्छी उन्होंने बॉलिंग कराई थी और ऐसे में एक और मौका जो है दे सकती है टीम इंडिया खलील अहमद को। तो ऐसे में दोस्तों ये 5 चेंज के साथ कुछ ऐसी प्लेइंग 11 जो है टीम इंडिया की दिखने वाली है, जहां पर केएल राहुल, मनीष पांडे, दीपक चहर, सिद्धार्थ कौल और खलील अहमद, इन 5 खिलाड़ियों को जो है मौका मिल सकता है और ये हमें खेलते हुए दिखाई दे सकता है। दोस्तों इस मैच के मायने नहीं है टीम इंडिया के लिए, इसीलिए जो है टीम इंडिया दोस्तों पूरे बेंच को इस मैच में खिला सकती है। अब दोस्तों आपको क्या लग रहा है कौन कौन से चेंज जो है वो होने वाले हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।